welcome back to my channel. So this video is about college and school student productivity routine. सबका जो routine है एकदम से disturb हो रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि this video is specially for lockdown special, जहाँ पे बच्चे घर पर ही हैं, students का work from home ही चल रहा है देखा जाए तो, they're studying from home and सारा जो जो उनकी classes है वो भी घर से होती है, they don't have to go anywhere. तो कैसे अपनी productivity को आप enhance कर सकते हो, आज की video में ये देखेंगे. So without any due, just let's start the video. Please subscribe my channel for the notification of new videos. इस चैनल पे आपको वन प्रोडक्टिविटी वीडियो एंड वन करियर टॉक एवरी वीक. रूटीन सेट करने की बहुत जरूरत है. जब पेंडेमिक हिट नहीं किया था तब क्या होता था, हर एक स्टूडेंट स्कूल जाता था अपना, 7:30 बच्चे उठते थे अपना स्कूल जाते थे, दे टुक ब्रेकफास्ट एट टाइम, वहां पे जाके अपनी नॉर्मल क्लासेस अटेंड करते थे, वहां पे आप लंच करते थे, अपने टाइम से घर आते थे, एक रूटीन था, इवनिंग में बैठ के आप रिविजन करते थे. बट इस पेंडेमिक हिट होने के बाद जब से क्लासेस घर से होने लगी है तो एक रूटीन है जो बिल्कुल ही खराब हो गया बच्चों का. तो उस केस में आपका जो 9 बजे की क्लास होती है, हम 8:30 उठते हैं, 8:45 उठते हैं, उसके बाद हम एकदम से क्लास लेने बैठ जाते हैं, तो ये एक सही तरीका नहीं है अपनी प्रोडक्टिविटी का. इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहे हो, आपको पता ही नहीं होता क्लास में होना क्या है, तो जो भी क्लास में टीचर बोल रहे हैं आप उससे एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपने कभी रिविजन नहीं करी. पहले हम शाम को बैठ के रिविजन करते थे क्योंकि होमवर्क मिलता था हमारे को, अब वो उतना ज्यादा रेगुलर नहीं है. तो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो सबसे पहले सेटअप योर रूटीन. आप अपना एक रूटीन सेट करो अपने घर से ही कि ये चीजें मैं इस टाइम पे करूंगा, इस टाइम पे मैं रिवीजन करूंगा, इस टाइम पे मैं क्लास के लिए उठूंगा, मैं एक घंटा पहले उठूंगा या फिर मैं इवनिंग में रिवीजन करूंगा. अपना एक रूटीन को अच्छे से सेट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपनी फिजिकल को मतलब अपनी एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो, डांस करो, कुछ भी करो, इंक्लूड करो अपने रूटीन के अंदर, क्योंकि जब हम घर रहते हैं तो हमारी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं होती. एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि हमें वेट लॉस करना है, बट हमारी ब्लड सर्कुलेशन हो, हमारी बॉडी एक्टिव रहे, इसके लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल इंडल्ज करनी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपना रूटीन सेट करने के बाद सेकेंड थिंग होती है सेट अप प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस, जहां पे बैठ के आप क्लास लोगे अपनी क्लासेस को. डोंट टेक द क्लासेस फ्रॉम योर बेड, दिस इज नॉट द राइट प्लेस. जहां पे आप सोते हो वहीं से आप क्लासेस ले रहे हो, नॉट राइट. आप अपनी एक प्लेस सेट करो, उसको क्लीन रखो, वहां पे एनफ लाइट हो. लाइट बहुत मोटिवेशन क्रिएट करती है, ठीक है. जैसे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, कम होती है, डिम लाइट्स होती हैं, तो क्या होता है एकदम से आपका जो लेवल्स होते हैं आपकी बॉडी के वो भी डाउन स्टार्ट हो जाते हैं. जापान में तो एक कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं एक्चुअली, मैं आजकल 2 to 4 o'clock लाइट्स को डबल कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, सो दैट कि जो जब सब अपने एक लंच करने के बाद एक लो पेस में जाना शुरू कर देते हैं कि वो एकदम से लाइट इंक्रीज कर देती है तो कि बॉडी को रिलैक्सेशन मोड पे ना जाए. तो एनएफ लाइट आना बहुत जरूरी है आपकी प्लेस पे, राइट. थोड़ा सा उसको कलरफुल रखो, क्लीन रखो, तो अपने आप आपको एक मोटिवेशन रहेगा. देन थर्ड थिंग इज अमाउंट ऑफ स्लीप. जो आजकल की जो जनरेशन है बहुत ज्यादा रात को जागने लग गई है, मैंने बहुत लोगों से बात करी, बहुत लोगों से सुना, तो वो लोग क्या करते हैं, दे एंड अप स्लीपिंग लेट, जिसकी वजह से सुबह तो कई बार जल्दी उठना पड़ता है या लेट उठते हैं सुबह, उनकी पूरी स्लीप साइकिल खराब हो चुकी है. तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक एनफ अमाउंट ऑफ स्लीप, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप लो, क्योंकि आगे ये लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा हार्म करेगा अगर आप अभी स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे, ठीक है. आजकल एंजाइटी इशू, डिप्रेशन इश्यूज के आपको केसेस आने लग जाएंगे. आपको राइट अमाउंट ऑफ स्लीप बहुत जरूरी है, तो वो आप अपने एक रूटीन सेट करो कि आप 11 o'clock, 10:30, 12 o'clock, जो भी आपको सूट करता है आपके रूटीन के अकॉर्डिंग आप वो सेट. सो नेक्स्ट इज बिल्ड गोल ऑब्जेक्टिव. अपने जहां पे भी आप स्टडी करते हो, जहां पे भी आप अपने एक पिन बोर्ड ले लो, अपने पिन बोर्ड पे अपना गोल लिखो कि आई वॉन्ट टू स्कोर 90% और आई वॉन्ट टू हैव अ जॉब, या मैं 6 hours पढ़ना चाहता हूँ, या मैं 8 hours पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये चैप्टर खत्म करना चाहता हूँ. जो भी आपका गोल है आप उस गोल को वहां पे पेस्ट करो. जब आप गोल को लिख लेते हो ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप उस गोल को अचीव कर लो, तो अपने गोल को लिख लो. अब गोल को लिखने के बाद कई लोग सिर्फ गोल पे फोकस करते हैं कि ये हमारा गोल है. सिर्फ गोल पे आपको फोकस नहीं करना, गोल को फोकस करने के लिए उसके छोटे छोटे उसके मतलब प्लान बनाओ कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करने वाले हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम्प्लीट माई इकोनॉमिक्स और आई विल कम्प्लीट माई फिजिक्स लिखा हुआ आपने, या जो भी लिखा है उसके अंदर, उसके छोटे छोटे आपने पॉइंट्स लिखे. अब आपको जब भी वो छोटे छोटे उसके गोल्स को कम्प्लीट कर रहे हो तो उसके अंदर आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिल रही है कि येस आई एम वर्किंग टूवर्ड्स माई गोल, दिस इज इम्पॉर्टेंट. आपको एंड रिजल्ट पे ही फोकस नहीं करना, बहुत लोग ये गलती करते हैं, अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं. आपको उसके प्रोसेस को एंजॉय करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर आप प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाओगे तो आपको अपने आपका गोल अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप छोटे छोटे गोल्स को अपने प्लान करो, सामने लिखो, उसके बाद उनको धीरे धीरे अचीव करो,
राइट, सेट अ टाइमलाइन ऑल्सो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नहीं है. ट्रैकिंग, अगला हम कर रहे हैं ट्रैकिंग. नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्टिविटी हैक है, दैट इज ट्रैकिंग. ट्रैकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आप अपने टाइम को ट्रैक ही नहीं करोगे. एक सक्सेसफुल पर्सन और अनसक्सेसफुल पर्सन में यही होता है. अनसक्सेसफुल पर्सन कहते हैं मैं तो पढ़ ही रहा था, मैंने तो पूरे 6 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई की. आर यू ट्रैकिंग योर टाइम कि कितने टाइम में कौन सा सिलेबस कवर होना चाहिए था, कौन से टाइम में कितना आपको पार्ट कवर करना चाहिए था? यू आर नॉट ट्रैकिंग. इसका मतलब ये है. या कई लोग क्या होता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा मैंने प्रॉब्लम सुनी है, लाइक अगर आप एक बार फोन उठा लेते हो तो आप उस फोन को ही स्क्रोल करते रहते हो. फोन को इस तरीके से उन्होंने डेवलप कर दिया कि हर कोई पर्सन, एक मतलब आजकल के हम अपनी जनरेशन की क्या बात करें, हमारे मॉम डैड जिन्होंने, वो लोग भी इतने एंगेज हो गए हैं, इतने एडिक्टेड हो गए हैं फोन को लेके. तो हम लोगों को तो ऑफकोर्स ही बातें प्रॉब्लम आएगी, बट हमें अपने टाइम को ट्रैक करना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. अपना स्क्रीन टाइम आता है, अपना स्क्रीन टाइम से चेक करो कि आप कितना फोन यूज कर रहे हो. आपको सेल्फ कंट्रोल अपने ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज तो चाहती है वो वाली कि आप फोन ज्यादा से ज्यादा यूज करो, राइट? क्योंकि जितना ज्यादा फोन यूज करोगे उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पुट कर सकते हैं. एक मेथड होता है, अगर आपने सुना हो, पोमोडोरो मेथड. इसमें क्या होता है, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको अगर फोन एडिक्शन की आदत है तो आप क्या करो, अपने 25 मिनट्स का अलार्म लगा लो, राइट? आपने 25 मिनट्स का अलार्म लगा लिया, उसके बाद क्या होगा, आप ये कह दो कि 25 मिनट्स का लाम बजेगा तभी मैं उठूंगी या तभी मैं फोन को छेड़ूंगा, नहीं तो बीच में आपका मन करता चेक करने का, ठीक है? तो आप 25 मिनट्स लगातार पढ़ रहे हो, उसके बाद आप उसको इंक्रीज कर सकते हो. 35 मिनट्स में एक साथ पढ़ूंगा, मैं 1 घंटे तक एक साथ पढ़ूंगा. जब आपको लगे कि दिस इज द मैक्सिमम टाइम, मैं इस टाइम तक बिना टच करे पढ़ रहा हूं, तो आपको पता लग जाएगा. यू आर ट्रैकिंग योर टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन रिवॉर्ड योर सेल्फ. रिवॉर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं नेटफ्लिक्स कब देखूं, या मैं घूमने कब जाऊं, मैं आउटिंग कब करूं. जब आपके पास टारगेट होगा कि ये कंप्लीट करने के बाद मैं अपने आप को नेटफ्लिक्स, बट ये जो टारगेट है ना वो बहुत हैवी मत रख देना कि आपको रिवॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलने के लिए आपको मतलब बीच में ही वो टारगेट आपका छूट जाए, तो फिर वो अगली बार आपको आदत पड़ जाएगी कि भाई आपने पहले ही बीच में छोड़ दिया तो अगली बार भी आप बीच में छोड़ दोगे. सेट द टारगेट जो आप अचीव कर सको, उसके बाद अपने साथ साथ उसको रिवॉर्ड करो. दिस इज इंपॉर्टेंट. कई लोग क्या करते हैं, एकदम से मोटिवेशन में आके अच्छा आई विल डू दिस बहुत बड़े बड़े गोल्स ले लेते हैं, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. इतना गोल लो जो अचीवेबल हो. हमेशा जो गोल लिया जाता है, मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अपने गोल को मतलब अपने गोल को स्मार्ट बनाओ, तो उसमें वन ऑफ द थिंग होती है कि ऐसा गोल रखो जो अटेनेबल हो, राइट? तो उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो विदाउट, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो आप जो मुझसे बोलना चाहते हो, प्लीज जस्ट राइट मी इन द कमेंट. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी. और आप मुझे कोई कमेंट करोगे तो आई विल हैप्पी टू आंसर इट.